हाय फ्रेंड्स, संगीता विश्वरूप चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, त्योहार हमारे जीवन में लाते हैं नई उमंग और नई जान, और यही है हमारे इंडिया की पहचान। तो आइए इस त्योहार के खुशनुमा माहौल में हम और आप मिलकर बनाते हैं आज एक ट्रेडिशनल रेसिपी, नारियल के लड्डू या कोकोनट लड्डू, जिसे हम एक आज इनोवेटिव मॉडर्न लुक देंगे। नारियल के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन गरम करेंगे, धीमी आंच रखी है बिल्कुल मैंने, और इसमें हम मावे को भूनेंगे। इसका थोड़ा मॉइस्चर निकल जाएगा, इसलिए हम इसको सोते कर रहे हैं मावे को। और अब सबसे पहली बात जो हमें बिल्कुल नहीं करनी है वो यही है कि हमें मावे को इस तरह पैन में डालने के बाद इसको छोड़कर कहीं पर नहीं जाना है। कंटिन्यूस हमें इसे हिलाते रहना है, और गैस पैन बंद करने के बाद फिर भी हमें इसे थोड़ा सा हिलाते रहना है, क्योंकि पैन गर्म होता है तो ये तुरंत नीचे चिपक जाता है। ये सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात है। अब हम इसे हम 2 से 3 मिनट तक हमें सोते करना है, या तब तक करना है कि जब तक इसका थोड़ा, ये देखो एकदम पतला हो गया है, अब ये थोड़ा सा वापस थिक होने लग जाएगा। बहुत ज्यादा ड्राई भी नहीं करना है हमें, इस बात का हमें ध्यान रखना है। ये मावा अब ऑलमोस्ट होने आ गया है। शुरू में ये एकदम पतला हो जाता है इसकी कंसिस्टेंसी जब हम इसमें डालते हैं गर्म पैन में, और फिर धीरे धीरे वापस गाढ़ा होने लगता है। इस तरह से इसकी ये लंबी कंसिस्टेंसी आ गई है। अब हम गैस बंद करेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको और चलाते रहेंगे, जिससे कि नीचे न जल जाए, और पैन में ही मावे को रहने देंगे। अब ये मावा थोड़ा गुनगुना हो गया है, हम हाथ लगाकर देख सकते हैं। बहुत ज्यादा गर्म नहीं है और एकदम ठंडा भी नहीं हुआ है। अब हम इसमें शक्कर मिलाएंगे। अब दूसरी बात जो हमें ध्यान रखने वाली है वो यही है कि जो हमें बिल्कुल नहीं करनी है वो है कि गरम जब भी मावा हो तो उसमें शक्कर नहीं डालनी है, नहीं तो शक्कर पानी छोड़ेगी और प्रॉपर कंसिस्टेंसी हमें मिलेगी नहीं। तो अब हम इसमें डालते हैं, मैंने एक बाउल खोपरे के लिए 3/4 कप शुगर ली है। आप थोड़ी इसकी कंसिस्टेंसी आपके हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें शुगर मिलाती हूँ, और साथ में हम इसमें मिला देंगे अब ये नारियल डेसिकेटेड कोकोनट है, इसको भी इसमें मिला देंगे। सबको हम अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। इस तरह से हम सबको हाथ से ही मिक्स कर दे रहे हैं। अब एक छोटी सी टिप ये भी है कि कई बार ड्राई टेक्सचर हो जाता है बहुत ज्यादा, बाय चांस किसी कारण से ठंडा हो जाए मावा ज्यादा, तो हम उसमें 1 चम्मच या उससे भी कम थोड़ी सी मलाई डाल दें तो स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा और हमारा टेक्सचर भी इसमें मेंटेन हो जाएगा। ये मैंने खोपरे और मावे का मिश्रण इसमें निकाल लिया है बॉल में। अब हम इस ट्रेडिशनल खोपरे के लड्डू की ट्रेडिशनल रेसिपी को एक मॉडर्न ऑरेंज का लुक देने वाले हैं, इसलिए मैंने लिया है ये ऑरेंज इमल्सन। इसमें फूड कलर भी होता है और इसेंस भी मिक्स होता है, बहुत अच्छा इससे कलर आता है। इसकी ये आसानी से बाजार में उपलब्ध होता है, और इमल्सन इसकी जगह आप ऑरेंज फूड कलर और ऑरेंज इसेंस भी ले सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ फ्यू ड्रॉप्स ये इमल्सन, मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ और सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। हाथ से मिक्स करेंगे, ये ऑरेंज इमल्सन अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ, फिर इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। अब ये इस तरह से मैं ऑरेंज के सारे बॉल्स बना के रेडी कर रही हूँ। ये हमने सारे ऑरेंज बॉल्स तैयार कर लिए हैं। अब हमें इसे ऑरेंज का लुक देना है, हम इनोवेशन कर रहे हैं, ऑरेंज का इसको लुक देना है, इसलिए हमें एक ये इस तरह से थोड़ा सा थ्रेड लेना है। बहुत ही आसान है, एक बॉल्स लेंगे उसमें हम इस तरह से ऑरेंज का इम्प्रेशन देंगे, जिससे इसमें एकदम ऑरेंज का ओरिजिनल लुक आएगा। ये देखिए बहुत ही आसानी से हम थ्रेड से इस तरह से इम्प्रेशन दे सकते हैं इसमें। इसी तरह से हम सारे बॉल्स को ऑरेंज का लुक देंगे।
फ्रेंड्स, ये हमारे कोकोनट बॉल्स इन इनोवेटिव ऑरेंज शेप में रेडी है। इसको मैंने ये ग्रीन लीव्स बनाई है, इससे गार्निश किया है, और ये ऑरेंज शुगर से मैंने बॉल्स को गार्निश किया है।